आज विद्युत विभाग के दफ्तर में के आगे लोग बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध प्रदर्शन स्वरूप यहां पे एकत्र हुए हैं और स्थायी शुल्क व अन्य मदों में बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। ये किस तरीके की, आप उपभोक्ता मामलों से जुड़े रहे हैं, किस तरीके की ये समस्याएं आप पाते हैं, आपके पास भी शिकायतें आती होगी और इनका निवारण किस तरीके से हो सकता है वो बताइए। देखिए, विद्युत की दरों को कंट्रोल करने के लिए विद्युत नियामक आयोग बना हुआ है और विगत फाइनेंशियल ईयर में बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए जो हमारी विद्युत वितरण कंपनियां हैं उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी। उस पिटीशन पर आम जनता से आपत्तियां मांगी जाती हैं। आपकी संस्था, हमारी संस्था उपभोक्ता संरक्षण समिति जोधपुर की उमस ने आपत्तियां प्रस्तुत की थी। उस आपत्तियों में हमने स्थायी सेवा शुल्क पर आपत्ति की थी कि स्थायी सेवा शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन जो नियामक प्राधिकरण ने अपना निर्णय दिया है उसमें जो सूत्र बताया है स्थायी शुल्क के लिए, वो जो विगत वित्तीय वर्ष में जो आपका अधिकतम स्थायी सेवा शुल्क आया वो आगामी वित्तीय वर्ष में आपका स्थायी सेवा शुल्क होगा। यद्यपि इस पर उपभोक्ता और उपभोक्ता संगठनों और यहाँ तक कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा भी कुछ आपत्तियां व्यक्त की गई थी और उसी के आधार पर ये अधिक राशि के बिल प्राप्त हो रहे हैं। वो जो दरें बढ़ी वो अप्रैल से प्रभावी हुई हैं। क्या ये क्या आवश्यकता थी इस कोरोना का जो संकट काल है, जो खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लिए बड़ा एक संकट का समय है और उसमें राहत के बजाय ये पीड़ा देने का काम। विनोद जी, जब ये दरें निर्धारित हुई और हाँ, ये जब सुनवाई हुई उस समय कोरोना नहीं था, ठीक है, तो ये उस समय की परिस्थितियों में निर्धारित हुई हुई दरें हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमें क्या रिलीफ मिलनी चाहिए। हाँ जी, हमें रिलीफ ये मिलनी चाहिए कि हम लोग नियामक आयोग में इस सेवा स्थायी सेवा शुल्क के प्रति आपत्ति व्यक्त करें और उसे न्यायिक चुनौती दें, और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को ये चाहिए कि वह कोरोना के संकट को देखते हुए इसमें लाभ प्रदान करे। क्योंकि मैं सत्ताधारी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूं, इसलिए हमारी सरकार से ये निवेदन करूंगा कि उपभोक्ताओं के इस दर्द को समझते हुए सरकार वितरण कंपनियों के लिए निर्धारित दरों में उनको लाभ प्रदान करते हुए उपभोक्ता को लाभ प्रदान करे। ठीक है जी, ये थे एडवोकेट संजय आर्य जो उपभोक्ता मामलों से लगातार जुड़े रहते हैं और ये काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्र हुए हैं। सब बिजली की दरों से परेशान हैं, इनमें गरीब हैं, मजदूर लोग हैं, सामान्य दुकानदार हैं, व्यापारीगण हैं, एक पूरा प्रतिनिधि मंडल है और एक सार्थक चर्चा करेंगे, सारी बातें करेंगे, विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी बात करेंगे इस संदर्भ में। और ये लगातार जब तक बिजली का बिल कम नहीं होते या इस बारे में कोई एक सरकार कदम नहीं उठाती, ये लगातार आंदोलन जारी रह सकता है।